हेलो गाइज, आज 47वें दिन भी पठान अनस्टॉपेबल कलेक्शन करने वाली बॉक्स ऑफिस में सिनेमा हॉल में पठान वी को पूरा डेढ़ मंथ हो चुका है। डेढ़ मंथ से भी दो दिन ऊपर हो गए, लेकिन पठान वी को सातवां वीक स्टार्ट है। कोई भी मूवी सिनेमा हॉल में सिर्फ दो या तीन वीक ही चल सकती है, लेकिन पठान मूवी ने इतिहास रच दिया, हिस्ट्री बना दिया। गाइज, शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान और डंकी के बाद धूम 4 का ऑफिशियल अपडेट निकल के आ चुका है। शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद नेक्स्ट जो मूवी धूम 4 करने वाले हैं, 4 का बॉक्स ऑफिस ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, जिसमें आपको शाहरुख खान 100% देखने को मिलेंगे, एज अ हीरो काम करेंगे। शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान अभी डंकी बाकी है। डंकी के बाद धूम 4 का जो शूटिंग स्टार्ट होगी, ये मूवी 2024 में रिलीज हो सकती है। गाइस, बात करें शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी जवान बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगी। अगर बात करें बुक माई शो पे, जहां से आप लोग टिकट परचेस करते हैं, पठान मूवी को रिलीज होने से एक दिन पहले 700K लोगों ने वहां पे इंटरेस्टेड बोल रखा था। वहीं बात करें जवान मूवी का, 45,000 लोग इंटरेस्टेड, अभी 80 दिन मूवी को रिलीज होने में बाकी है। भोला मूवी का 28,000, टाइगर के 23,000। वहीं पर गाइस बात करें डंकी मूवी का 18,000 हो चुके हैं। गाइस, शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी भमाल होने वाली, जिसका नाम जवान है। तो गाइस, जवान मूवी बोरे बॉक्स ऑफिस को हिला के रख देगी। कोई भी 2024 से 2025 में कोई भी एक ऐसी मूवी नहीं बनेगी जितना जवान ने कलेक्शन करके इतिहास बनाएगी। जवान मूवी पक्का 2,000 करोड़ का कलेक्शन करेगी वर्ल्ड वाइड में। गाइस, अगर कहते बात कर ले मच अभिनीत पठान मूवी के कलेक्शन के बारे में, अगर शाहरुख खान दिल से प्यार करते हो, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस, पठान की कमाई हमको मैसिव जंप देखने को मिला। सैटरडे और संडे को पठान मूवी और भी तगड़ा कलेक्शन करने वाली। बात करें पठान डे 1 से लेकर डे 44 तक पूरे वर्ल्ड वाइड में 1,041 करोड़ का कलेक्शन कर चुके हैं। 45 और 46 का बॉक्स ऑफिस एड करना बाकी। गाइस, पठान 45 दिन पूरे इंडिया से 50 लाख हिंदी बेल्ट में कमाई की। बात करें 46 दिन सैटरडे को पठान की कमाई में 80 लाख हिंदी बेल्ट में कमाई रहा है, और पठानवी 47 दिन संडे को पूरे इंडिया से 1 करोड़ का हिंदी बेल्ट में कमाई करेगी। गाइज, आपको पठान की कमाई में थोड़ा सा कमी देखने को मिला, जिसकी वजह तू झूठी मकार को अभी 8 मार्च को सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया, बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है, जिसका ऑडियंस का जो ध्यान है वो झूठी मकार की साइड में चला गया। लेकिन पठानवी का कलेक्शन पूरे 2 मंथ तक रुकने वाला नहीं, पठानवी संडे को मैसिव जंप लेगी। गाइज, इसकी वजह एक अगर टिकट परचेस करते हो, दूसरी टिकट आपको को फ्री में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पठान की कमाई में थोड़ा सा कमी देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से 2 दिन अगर आपको मैसिव सिंपल रूटीन के साथ पठान की कमाई में कलेक्शन देखने को मैं बात करें तू झूठी में मकार के कलेक्शन के बारे में। सो गाइस, 2023 की सबसे ज्यादा कमी करने वाली मूवी तू झूठी में मकार बन चुकी है। नंबर 1 पे पठान इससे ज्यादा ही फ्लॉप होगी, सेल्फी डिजास्टर मूवी साबित हुई। लेकिन तू झूठी मकार ने पहले दिन के अंदर 15 करोड़ का कलेक्शन करके 2 दिनों के अंदर 26 करोड़ का कलेक्शन करके मैसिव इतिहास रच दिया। बात करें पठान इस मूवी का डे 1, डे 2, डे 4, 5 कितना कलेक्शन रहने वाला है, तो यहाँ पे तू झूठी मकार ने पहले दिन के अंदर 15 करोड़ 73 लाख का कलेक्शन किया। डे 2 के अंदर 10 करोड़ 34 लाख, डे 3 के अंदर 10 करोड़ 52 लाख का कलेक्शन करके 3 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 36 करोड़ 69 लाख का कलेक्शन करके इतिहास रच दिया है। तू झूठी मकार पूरे 3 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड में 42 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। वहीं बात करें इस मूवी का चौथे दिनों का कितना कलेक्शन रहना है, सैटरडे की इस मूवी की कमाई में हमको 150% जंप मिला। देखा सैटरडे की ये मूवी पूरे वर्ल्ड वाइड में 20 करोड़ का कलेक्शन करने वाली। जी हाँ गाइस, अब तक मुझे रिपोर्ट देखने को मिल रहा है 3 PM तक इस मूवी नेशनल सिनेमा में 4 करोड़ 88 लाख का कलेक्शन कर ले, जबकि जो पिछले यहां पर देखने का हमको मिला यहां पे ट्यूसडे की इस मूवी ने 5 करोड़ का नेशनल सिनेमा में कलेक्शन किया था, फ्राइडे को 5 करोड़ का किया था। लेकिन अभी मूवी का एक डे चौथा दिन कंप्लीट होने में पूरे 8 घंटे बाकी हैं। रात 12 बजे तक ये मूवी पूरे नेशनल सिनेमा से 8 करोड़ का कलेक्शन करके वर्ल्ड वाइड में 20 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी चौथे दिन। तो तू झूठी मकार का 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड में जो कलेक्शन वो 70 करोड़ हो जाएगा। इस मूवी का जो बजट वो 80 करोड़ है। ये मूवी रिलीज के 4 से 5 दिनों के अंदर 100 करोड़ का कलेक्शन करके सुपर हिट हो जाएगी और ब्लॉकबस्टर भी मूवी हो सकती है। अगर गाइस करें इंडिया, बात करें इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज के बारे में, जिसमें दंगल नंबर 1 पे आती है। अगर सुपरस्टार आमिर खान ने बॉक्स ऑफिस को पूरे इंडिया को हिला, साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था, जिस मूवी का बजट केवल 70 करोड़ था, 2200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली दंगल मूवी इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है। नंबर 2 पे बाहुबली 2 आती, जिसका बजट 250 करोड़ था। अब तक इंडिया में 5 ऐसी फिल्म जिन्होंने 1,000 करोड़ के कलम में एंट्री की है। नंबर 1 पे दंगल, नंबर 2 बाहुबली, नंबर 3 KGF चैप्टर, नंबर 4 पे RRR मूवी, नंबर 5 पे आती है पठान मूवी। सो इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देगी 100% रही। इस वीडियो को दिल से लाइक और आज के लिए इतना, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।